जो सबके सीने में रह गए जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, रंगत फूलों की जो थी दूसरे के मिल गई, खुशबू उसके मेरे नबी के कहने में रह गई। ये बात मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम का पैगाम, मेरे नबी का पैगाम मोहब्बत था। हम मोहब्बत फैलाएंगे, कहिए इंशाल्लाह हम मोहब्बत फैलाएंगे। मेरे नबी का पैगाम इस मुल्क को बनाने का था, हम इस तरह इस मुल्क को बनाएंगे, कहिए इंशाल्लाह। मेरे नबी का पैगाम हमने कल बदल दिया, अमन के साथ रहकर मोहब्बत के साथ रहकर पैगाम हमने ये दे दिया तमाम आलम पर, तमाम दुनिया को, कि मेरे नबी ने मुझे प्यार करना सिखाया है, मेरे नबी ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया, मेरे नबी ने मुझे छोड़ना सिखाया, मेरे नबी ने मुझे कुछ छोड़ना नहीं सिखाया। ये मेरे नबी का पैगाम था। मैं बस दो बार कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, नौजवान हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात गुजर जाते हैं खैरा नहीं करते, जागीर में गौन के बराबर हम छुरा करते हिमालय नहीं करते। आज मुसलमानों का, नौजवानों का, खासकर महिलाओं से कहना चाहूंगा, हमारा हक तालीम है, हमारा हक मोहब्बत है, हमारा हक इस हिंदुस्तान को बनाने का है, हम इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, सजाएंगे, सवारेंगे, क्योंकि मेरे नबी ने, मेरे नबी का एक पैगाम था। आज बात को खत्म करने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के नहीं है, मुसलमानों के नहीं है। जॉर्ज कौम ने यहाँ पे बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उनके लिए भी है। यहाँ पर डॉक्टर नारायण खड़े हुए, उन्होंने भी बता दिया कि मोहब्बत का पैगाम हिंदुओं के लिए भी है। क्यों मेरे नबी को क्या कहा गया? रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, मेरे नबी को रहमतुल आलमीन कहा गया। बात यहाँ पे बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जैसे अल्लाह ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, मेरे नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरे भाइयों, इस मुल्क को, इस मुल्क के अवामान को, गंगा जमनी तहजीब को आप एक बार बता दीजिए, एक ऐसा मुसलमान बता दीजिए जिसके 10 हिंदू दोस्त ना हो, एक ऐसा हिंदू बता दीजिए जिसके 10 मुसलमान दोस्त ना हो। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का था, है और रहेगा। मेरे साथ बोलिए नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम।